आज हम आए हैं कानपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर बिठूर। बिठूर एक ऐसा क्षेत्र है जिसने अपना नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज कर रखा है और ये एक पौराणिक जगह है। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, काफ़ी ऐसी हस्तियाँ हैं जिनका यहाँ पे जन्म हुआ है। तो इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो जान पाएंगे इसका इतिहास क्या है। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ इस पूरी जगह को, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हमारे देश में एक श्लोक बोला गया है कि गंगे च यमुने च गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी नर्मदे सिंधु के, जितने हमारी जो नदियां हैं 8-10 जो नदियां हैं, ये नदियां ही अपने आप में पावन हैं। इनका केवल स्पर्श मात्र ही अपने आप को पवित्र कर देता है। इनका स्पर्श मात्र ही अपने आप को पवित्र कर देता है। तो जैसा कि आप हमारे पीछे जो किला देख रहे हैं, वो एक समय में किसी का जन्मभूमि और घर हुआ करता था। 1858 की क्रांति में आपने नाम सुना होगा रानी लक्ष्मीबाई का, तात्या टोपे का और नाना राव का। एक समय में वो सब यहाँ पर ही रहा करते थे और ये बिठूर इनका घर हुआ करता था और ये कानपुर की एक अच्छी खासी सल्तनत भी थी। तो आज हम पूरे इस किले को एक्सप्लोर करेंगे और इसके जस्ट बगल में है ब्रह्मावर्त घाट, जहाँ पर ऐतिहासिक मान्यता ये है कि यहीं से ही ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की शुरुआत की थी और उस बिंदु को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इस जगह के इतिहास के बारे में और खगोलते हैं कुछ इतिहास की बातों। ब्रह्मावर्त, चूंकि ब्रह्मा जी का यह स्थान है, मंदिर है, इन्हीं के नाम से इस तीर्थ घाट का नामकरण किया गया।
जैसा कि मैं इस ब्रह्मा कुटी का पुजारी अंकित तिवारी, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इस बिठूर क्षेत्र का महत्व तो आध्यात्मिक एवं पौराणिक व ऐतिहासिक। आप देख रहे हैं चांदी की किला आपको दिख रही है इस वीडियो के माध्यम से, वो चांदी की किला आपको जो दिख रही है इस वीडियो में, इस किल को ही कहते हैं ब्रह्मा कुटी। इस किल को बोला गया ब्रह्मा कुटी, तो इसका मैं मतलब आपको बताऊंगा ये क्यों कैसे कब आई, इसका क्या महत्व तो है, लोग क्यों दर्शन पूजा यहाँ पर करते हैं, मेला मतलब करते हैं यहाँ पर। तो ऐसा माना जाता है जैसे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार हम लोगों में चार वेद, छः शास्त्र और 18 पुराण हैं। चार वेद में आपका सबसे पुराना जो प्राचीन वेद आता है आपका ऋग्वेद आता है, वो ऋग्वेद। उसके बाद आपका आ जाता है यजुर्वेद, फिर आपका सामवेद, फिर अथर्ववेद। उसी प्रकार से आपके 18 पुराण हैं, उन 18 पुराणों में एक आपका पुराण है ब्रह्म वह वर्त पुराण, जो कि संक्षेप में उसका महत्व, जो कि आपका संक्षेप में महत्व सामने आप वीडियो में दिखा सकते हैं। देखिए उसमें लिखा हुआ है ब्रह्म वह वर्त पुराण के अनुसार ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ब्रह्मावर्त समम क्षेत्रे नास्ति भूमंडले क्वचित, अर्थात ब्रह्मावर्त के समान ऐसा कोई दूसरा इस धरती पर, इस धरा पर, इस भूमि पर कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने बैठ कर तप किया 99,000 वर्ष बैठ करके, यहाँ बैठ करके तप किया, यज्ञ किया। यज्ञ करने के उपरांत उन्हीं के यज्ञ से महाराजा मनु एवं महारानी चतुरूपा का जन्म हुआ। मनु और शत्रुपा जिनसे वही सृष्टि अनेक रूपा, हम लोग जो पुत्र मानते हैं अपने आप को तो मनु और शत्रुपा की संतानें मानते हैं। ब्रह्मा जी का जब यज्ञ पूर्ण हुआ, जब उनका यज्ञ पूर्ण हो गया तो उड़ करके वो लोग चलने लगे, तो देवतागण उस यज्ञ में अनुष्ठान में सम्मिलित हुए। उन्होंने आग्रह किया कि महाराज आपने जिस उद्देश्य से बैठ करके यहाँ तब किया, आपका यज्ञ तो सफल हुआ, आने वाले समय में जब मनुष्य और बढ़ जाएंगे, मानव जाति नर जाति जब बढ़ेगी तो पहचान क्या रहेगी कि आपने बैठ करके यहाँ तप किया, ये आपकी तपोभूमि यज्ञ स्थली है। तो पहचान के लिए अपनी खड़ाओं की किल यहाँ स्थापित कर दी गई, जिसे ब्रह्मा खूंटी के नाम से जानते हैं। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, यह ऑल वर्ल्ड फेमस है तीर्थ के चार नाम है। तो ये यहाँ हम लोगों का सौभाग्य है जो हम लोगों ने यहाँ जन्म लिया है माता के तट पे। '1857 की जो रिवोल्ट हुई, जो आपकी क्रांति हुई, उस क्रांति के नायक जो रहे हैं हमारे कानपुर क्षेत्र से, नाना साहब पेशवा बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध रहे हैं। तात्या टोपे जी हुए, रानी लक्ष्मीबाई जी हुए, अजीमुल्ला खान साहब हुए, ये जितने भी ये क्रांति के रिवोल्यूशन जितने भी हुए सब उन्हीं के कारण से। चूंकि इसका शाब्दिक अर्थ का बिठूर का करते हैं हम लोग, बिठूर का शाब्दिक अर्थ करते हैं, तो इसका वी यानी वीर और ठौर मतलब ठहरने का एक स्थान, किसके वीरों के ठहरने का स्थान, ऐसा ही है बिठूर, इसको बिठूर आप कह सकते हैं। तो आप वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये माँ गंगा नदी है, कितना ये जो है निर्मल अविरल जल है, ये उत्तर दाहिनी से आकर के दक्षिण दाहिनी जा रही हैं, या आपको कहीं भी इस भारतवर्ष में कहीं भी ये डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगी, उत्तर से आ रही हूँ और दक्षिण को जा रही है, यानी इस अगर देखा जाए तो उत्तराखंड गौमुख से आ रही है उद्गम स्थल, और सीधा बे आप बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जा करके ये गिर रही है। उसके बाण मिलेंगे आपको। तो
जैसा कि ये पंडित जी ने हमें बताया था कि ये राम जानकी मंदिर है जिसमें कि पुराने जमाने के तीर रखे हुए हैं जो कि लव कुश के जमाने के तीर हैं, लेकिन वो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि ये मंदिर इस समय बंद है। अब हम यहाँ से रवाना हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं ध्रुव टीला की तरफ और चल के वहाँ पर देखते हैं कि क्या सीन है। इस वीडियो को बनाने में हमने काफ़ी मेहनत की है, मेरे साथ था मेरा फ्रेंड विकास। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे ज़रूर देना। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा अपने इसी चैनल पर जिसका नाम है यूट्यूब का कीड़ा। अब मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। आप सब लोग अपना ख्याल रखना।